कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते इंदौर जिले के बेटमा नगर में नगर परिषद अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान बब्बी दरबार के द्वारा स्वयं के खर्च से गरीब वर्ग के लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है, जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल ऐसे 11 तरह की खाद्य सामग्री है। लॉकडाउन का ध्यान रखते हुए घर घर पहुँचाई जा रही है। बब्बी दरबार ने बताया कि 2000 पैकेट बांटने का लक्ष्य है, अभी तक 500 पैकेट बांट चुके हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि लोगों को खाद्य सामग्री के लिए मेरा पर्सनल नंबर दिया गया है। बेटमा नगर की जनता मेरा परिवार है, उनको अगर किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनके लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। भाई मनोज जी पटेल के मार्गदर्शन में बेटमा नगर में हमने गरीबों को या जो भी कोरोना के इस महामारी संकट में बेटमा नगर में अपने घरों में गरीब वर्ग या अन्य वर्ग किसी भी समाज के वो सभी लोग अभी राशन सामग्री के लिए बाहर जा नहीं सकते, घर के अंदर सब शासन प्रशासन के नियमों का पालन कर रहे हैं। इसलिए हम भी शासन प्रशासन के लॉकडाउन के मुख्यमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी के आदेश का लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोगों ने हमारा नंबर मेरा पर्सनल नंबर जारी किया है और उस नंबर के तहत उन लोगों को बोला आप फ़ोन लगाइए, आपको 9 बजे से 5 बजे तक आप फ़ोन लगाकर सूचित करें कि मेरे वार्ड नंबर 1 में या वार्ड नंबर 5 में या वार्ड नंबर 15 में या जहां पर भी 1 से 15 तक बेटमा नगर के लिए वार्डों में सामग्री की आवश्यकता है, उन लोगों को हम आटा, दाल, तेल, चावल और साथ ही बच्चों के लिए भी पार्ले जी बिस्किट और चाय की पत्ती, शक्कर, हल्दी, मिर्च और साथ ही आलू, ये सभी हम 11 तरह की राहत सामग्री लोगों के घरों पर पहुंचा रहे हैं। और साथ ही हमारे जो पार्षदगण और मेरे साथीगण हैं इन लोगों के माध्यम से, उसमें भी हम पूरे लॉकडाउन का पालन करते हुए 2 लोग ही गाड़ी से जाकर उनके घरों तक पहुंचा कर आ रहे हैं। और इससे हमको भी प्रेरणा मिलती है कि नगर पूरा मेरा परिवार जैसा है बेटमा नगर, तो उसके लिए मैं तत्पर 24 घंटे जब भी कोई आदेश करेंगे बेटमा नगर के हम उसके लिए तैयार है। पिछले वर्ष भी हमने निःशुल्क पानी के टैंकर चलाया, तो इस वर्ष भी 2000 पैकेट बांटने का मेरा लक्ष्य है। 500 पैकेट के आसपास आज बेटमा नगर में हमने पहुँचाए हैं और 4 दिन में हम 2000 प्रत्येक परिवार को हम पहुँचाने का लक्ष्य रखते हैं। और आगे भी जो भी सहयोग होगा वो बेटमा नगर के लिए 24 घंटे में तत्पर हूँ। और साथ ही मनोज जी पटेल और गोपाल सिंह जी चौधरी साहब भी, उनका आदेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।